सच है तो दिखेगा। न्यूज 11 कोचिंग टाइम में आपका स्वागत है, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ाना है, ठीक है। मैट्रिक्स, इसका प्लूरल जो होता है दैट इज नोन एज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। अभी बस आप लोगों को मालूम है कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखो, आपके स्कूल में प्रेयर के पहले और प्रेयर के बाद की स्थिति क्या होती थी कि मान लो ये आपका स्कूल का बाउंड्री है तो प्रेयर का घंटी बजता था, तो मान लो कि जब प्रेयर स्टार्ट नहीं हुआ है तो बच्चे तो स्कूल पहुंच गए, और उस समय बच्चों की स्थिति क्या होती थी कि मान लो चार बच्चे हैं यहाँ पे या कोई किसी के पीछे भाग रहा होता है, इस तरह से मान लो बच्चों की स्थिति है। लेकिन जैसे ही प्रेयर का घंटी बजता है तब बच्चों की स्थिति क्या हो जाती है कि वो इस तरह से ये स्थिति मान लो कि इसमें टर्न कर गया, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि इधर से इधर जब भी हम चले तो ये अरेंज हो गया, अरेंज हो गया। तो मैट्रिक्स का पहला वर्ड आया अरेंजमेंट, तो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? पहला वर्ड आया अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ किसका? ऑफ नंबर्स, और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसमें? अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दिस इज नोन एज रो, और वर्टिकल लाइन जो है दैट इज नोन एज कॉलम। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर और एलिमेंट्स इन व्हाट? कि इन रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स आर is known as a matrix, is known as a matrix. अब हम लोग अगर काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? 1, 2, 3, 4 and 5, तो नंबर ऑफ रो हो गया 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 4, तो दिस इज 4। तो फर्स्ट प्लेस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर रो एंड सेकेंड प्लेस ऑलवेज स्टैंड्स फॉर कॉलम, एंड जॉइंटली दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रोज और जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है जॉइंटली दे आर नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए आई इंटू जे, ए आई जे। ए आई जे मीन्स ए इज ए मैट्रिक्स इन विच आई नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर। अभी ए आई जे और ए आई जे ये दो तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो इस ए आई जे का मतलब क्या है, ये दिस इज इट शोज कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर एज दिस शोज कि पोजीशन पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मैट्रिक्स। अब पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए, हाँ बोलिए, ए इज इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 7 3 2 4, अब सपोज कि 2 का पोजीशन क्या है, तो 2, हाँ बोलिए, हाँ उत्कर्ष बोलिए। सर मेरा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। हेलो 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 उत्कर्ष। हेलो, हाँ सर मेरा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। हेलो हेलो, हाँ सर मेरा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स, e टू पावर x साइन x साइन टू एक्स, हाँ तो e टू पावर x, ठीक है, और साइन x इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसको तुमको सम में ब्रेक करना होगा, तो फॉर दैट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस की 1/2 साइन x इंटू साइन टू एक्स dx। उत्कर्ष यस सर, एक चीज जिंदगी में गांठ बांध लेना बहुत अच्छा, ठीक है, कि मैथमेटिक्स अगर बढ़िया करना है ठीक है तो फॉर्मूला पे पकड़ जबरदस्त होना चाहिए। ये जैसे 2 sin x into sin 2 x, तो sin sin या cos cos अगर आए देन cos a plus b plus cos a minus b या cos a plus b cos a minus b minus cos a plus b का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगर साइन है तो ये इफ सपोज की दिस इज कॉस में टूट जाएगा, ठीक है, ये कॉस मान लो कॉस थीटा सपोज फॉर द टाइम बीइंग, और ये ई टू पावर एक्स है, तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डीएक्स, तो इसको सम में ब्रेक कर दो, ठीक है, दो पेयर बनेगा तुम्हारा, एक तो इसका कॉस ए माइनस बी मान लो माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, और दूसरा ए प्लस बी करेंगे तो 3x हो जाएगा, तो ई टू पावर एक्स कॉस 3x हो जाएगा, दो पेयर में, और उसको इस फॉर्मूला में पुट करके और फिर उसका तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट? यस सर। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा ना सर आगे? इंटीग्रेशन बाय, इसका तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, e टू पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हां a cos bx माइनस b sin bx फॉर्मूला है ना? हां सर, तो वो फॉर्मूला यूज करो। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन।
बोलो। सर कॉस 3x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 3x। कॉस 3x डिवाइडेड बाई टू, तो ये इसमें क्या बात हो गया? सेम प्रॉब्लम है कि मान लो जैसे कॉस 3x है और डिवाइडेड बाय ई टू ई टू पावर द थ्री पावर एक्स 3x। डी एक्स, तो डिनोमिनेटर को नमरेटर में ले जाओ, तो ई टू पावर माइनस थ्री माइनस एक्स थ्री एक्स और कॉस 3x डी एक्स हो जाएगा ना। यस सर। अगेन ए इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल टू थ्री, तो ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला में फिर इसको पुट करो, यस सर। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। तो सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 3, 8, 9। सपोज वी आर विलिंग टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ फोर, तो फोर कहाँ पे है? फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में, तो इसका पोजीशन होगा A14। A14 मीन्स क्या कि दिस इज इन फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। अब जैसे A23 में कौन सा एलिमेंट है ये हमको जानना है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड दिस इज थ्री। तो पोजीशन ऑफ, कभी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ए आई जे आई इंटू जे और ए आई जे दोनों सेम है। ए आई जे इज पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, वेयर एज ए आई जे इट रिप्रेजेंट्स ए इज ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज आई जे, मीन्स आई नंबर ऑफ रोज आर देयर एंड चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि रो मैट्रिक्स मींस वैसा मैट्रिक्स जिसका केवल रो में एलिमेंट हो, तो ये रो है। अब लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 3, क्योंकि 1 रो इज देयर एंड 3 कॉलम्स आर देयर। अगर इसी को हम लोग बोले कि कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मान लो A1, B1, C1। अब ये कॉलम मींस दिस इज कॉलम मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 1। अभी जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मीन्स व्हाट कि जिसका सब साइड इक्वल हो, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी
इक्वल, जैसे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दोनों सेम हो देन इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये अभी इसका ऑर्डर हम लोगों ने 3x3 लिया है। यू मे टेक 2x2, 2x2, 4x4 और n/n। अगर आप हायर क्लासेस में हम लोग इसको n/n ऑर्डर का भी लेके चलते हैं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीन्स के सपोज दिस इज स्क्वायर ए वन बी वन एंड सी वन, मीन्स इसका डायगोनल में एलिमेंट्स होगा और रेस्ट पोजीशन में बाकी सारे जगह पे जीरो 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 होगा, जीरो जीरो एंड जीरो। इसके बाद तुम्हारा मान लो कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के ए ए एंड ए अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें भी केवल डायगोनल्स में ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डायगोनल्स में एलिमेंट है लेकिन सारा क्या है सेम है। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और यू मे कॉल दिस कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन एंड दिस इज डिनोटेड बाय आई। समटाइम्स आपको ये मिलेगा कि कहीं पे I3 लिखा हुआ है या कहीं पे आपको ये I2 लिखा हुआ मिलेगा। तो I3 मीन्स अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, I2 मीन्स अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2।
अब एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारा जो है सारा मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है। कोई भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, ये सारा यूनिट मैट्रिक्स या उसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे या स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे पोजीशन में एलिमेंट्स है, डायगोनल में केवल डायगोनल में एलिमेंट हैं लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, स्केलर में डायगोनल में ही एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम हैं, और यूनिट मीन्स डायगोनल में एलिमेंट्स और 1 1 1। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, जैसे इड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाउ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ बोलिए सर, मुझे ये पता करना था कि कॉलेज कब तक खुलेगी। हाँ बोले कवरेज लाइन कब तक खुलेगी। अरे ये तो यार मेरे को नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हेलो अभी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ their order are same। पहला तो क्या होना चाहिए कि दोनों का order जो है same होना चाहिए, और दूसरा condition है कि corresponding element भी same होना चाहिए। Corresponding element भी सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, और दूसरा मैट्रिक्स बी है कि 1 2 3 2 4 6। इफ वी से कि ए इक्वल टू बी, इट मीन्स टू से कि एक्स वन इक्वल टू 1, वाई वन इक्वल टू 2, जेड वन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए आज यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। हेलो।